मैं स्कूल से छुट्टी लेकर अपने मामा की शादी में गांव गया था। एक हफ्ता स्कूल से गायब रहने के बाद स्कूल आया तो मुझे क्लास में कुछ कमी सी महसूस हुई। दरअसल मेरे सामने बैठने वाला शहजाद अपनी सीट पर मौजूद नहीं था। दरमियानी छठी में मैंने अपने दोस्त कैलाश से पूछा, आज शहजाद स्कूल नहीं आया। कैलाश ने कहा, वो गुज़िश्ता 5 दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है और शायद अब आएगा भी नहीं। क्यों, क्या बात हुई? फुटबॉल की प्रैक्टिस के वक्त इस कार्मेश से झगड़ा हो गया था। अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसने शहजाद को बहुत मारा, उसका बस्ता फेंक दिया और कपड़े भी फाड़ दिए। इसके पताजी आए थे, हेडमास्टर साहिब से शिकायत की। उन्होंने शहजाद के पत्ताजी को समझा बुझा कर वापस कर दिया और रमेश के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए शहजाद के पताजी ने उसे घर में बिठा लिया। अब भी वो अपने पत्ताजी के साथ सब्जी के ठेले पर सब्जियां बेचने जाता है। मैंने कहा, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, गरीब लड़के को इस तरह मारना नहीं चाहिए था, हेडमास्टर साहिब को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। कैलाश ने कहा, रमेश के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता, उसके दादाजी स्कूल के सदर हैं, उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन एक गरीब और जहीन बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? तुमको तो मालूम है रमेश कैसा खतरनाक लड़का है, कोई इससे दुश्मनी लेने की हिम्मत नहीं करता। मैंने कहा, मैं हिम्मत करूंगा, एक जहीन लड़के की तालीम का सिलसिला खत्म ना होने पाए इसके लिए मैं रमेश से टकराएगा, तुम क्या करोगे? मैं इसके दादाजी से इसकी शिकायत करूंगा, वो अपने दादाजी से बहुत डरता है और उसके दादाजी बहुत नेक आदमी हैं। कैलाश ने कहा, अच्छे से सोच लो, रमेश से दुश्मनी मोल लेना तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। मैं हर खतरे से निपटूंगा ताकि एक बच्चा तालीम हासिल कर सके, कुछ बन सके। स्कूल से छुट्टी होने के बाद मैं घर आया और शहजाद की अच्छाइयां, जहानत और खेल कूद में इसकी उम्दा कारकर्दगी को बयान करते हुए रमेश की बुरी हरकतों की बाबत एक तफसीली खत लिखा और शाम के वक्त रमेश के घर पहुंच गया। मुझे मालूम था कि इस वक्त उसके दादाजी घर में ही रहते हैं और यही वक्त होता है जब रमेश फुटबॉल की प्रैक्टिस करके घर आता है। मैं इनके घर में दाखिल हुआ तो उसके दादाजी सामने बैठक के कमरे में बैठे हुए कोई अखबार देख रहे थे। मैं प्रणाम करके उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा, मेरा नाम शरद है, मैं स्कूल में रमेश के साथ पढ़ता हूँ। इतना अलिफ कहकर मैंने वो तफसीली खत दादाजी के हाथ में दे दिया। जैसे जैसे वो खत पढ़ते जा रहे थे उनके चेहरे का रंग तब्दील होता जा रहा था। जैसे ही उन्होंने खत पढ़कर खत्म किया, बस इसी वक्त रमेश घर में दाखिल हुआ। मुझे अपने घर में देखकर वो बहुत हैरान हुआ। दादाजी के हाथ में चिट्ठी मौजूद थी और गुस्से से उनका हाथ थर थर कांप रहा था। रमेश मामले को समझ नहीं पाया। दादाजी को नमस्ते कहकर वो एक तरफ खड़ा हो गया। दादाजी अपनी जगह पर खड़े हो गए, रमेश के करीब गए और एक जोरदार तमांचा उसके गाल पर मारा और कहा, अपनी ताकत और दौलत का गलत इस्तेमाल कर रहे हो तुम, शहजाद को तुमने क्यों मारा? दादाजी, वो मुझसे मुनहजोरी कर रहा था। अच्छा, खेल के दौरान कुछ कम ज्यादा हो जाए तो तुम उसे मारोगे? एक गरीब लड़के की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो तुम? तुम अभी मेरे साथ इसके घर चलो और पीर पकड़कर इससे मुआफी मांगो। चिल्लू मेरे साथ? और फिर उन्होंने मुझसे कहा, तुम भी हमारे साथ चिल्लू। दादाजी ने अपनी कार निकलवाई और हम शहजाद के घर की तरफ चल दिए। झोंपड़पट्टी की हद शुरू हुई, रात हो चुकी थी। मैंने एक जगह कार रुकवाई और चंद गलियों को पार करके हम एक झोंपड़े के सामने रुक गए। दरवाजा खुला हुआ था, अंदर एक बल्ब जल रहा था। एक कोने में खाने पकाने का सामान रखा हुआ था, दूसरे कोने में एक औरत सिलाई मशीन पर कपड़े सी रही थी। करीब ही एक लड़की चटाई पर बैठकर कुछ पढ़ रही थी। झोंपड़े के बाहर शहजाद अपने पत्ता जी के साथ हाथ ठेले के पास खड़ा हुआ था और हाथ ठेले की सब्जियां अंदर रखने में अपने पत्ता जी की मदद कर रहा था। हमें देखकर शहजाद और उसके पत्ता जी दोनों बहुत हैरान हुए। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, रमेश के दादाजी शहजाद के पत्ता जी के करीब पहुंच गए। उन्होंने शहजाद के पत्ता जी को मुखातिब करके कहा, भाई जी, मैं इस नालायक रमेश का दादा हूँ और स्कूल का सदर भी हूँ। मेरे पोते ने तुम्हारे बेटे के साथ जो सुलूक किया है, मैं उसके लिए तुमसे मुआफी मांगने आया हूँ। मुझे और मेरे पोते को मुआफ कर दो। इतना कहकर उन्होंने रमेश को इशारा किया, वो आगे बढ़ा। उसने शहजाद को गिले लगा लिया और रंजीदा लहजे में बोला,
शहजाद मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी गलती हो गई और भगवान के लिए स्कूल आना बंद मत करो। हम सब का मुस्तकबिल तालीम से ही जड़ा हुआ है। मुझे अपनी गलती पर बहुत अफसोस है। इतना कहकर वो शहजाद के पिताजी के पैरों को छूकर बोला, अंकल जी उसे स्कूल आने से मत रुकिए, मैं खुद उसकी मदद करूंगा। मेरी गलत हरकत के लिए मुझे भी माफ कर दीजिए। शहजाद के पिताजी ने रमेश को गिले से लगा लिया और कहा, इतने बड़े आदमी मुझ ऐसे गरीब आदमी के घर मुआफी मांगने आए, इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकता है। बेटा जाओ, शहजाद कल से रोजाना स्कूल आएगा। रमेश ने शहजाद से हाथ मिलाया, फिर मुझसे हाथ मिलाकर बोला, शरद तुमने शहजाद से अपनी दोस्ती का हक अदा किया और मुझे भी अपनी गलतियों का एहसास दिला दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग कार में बैठकर वहां से वापस हो गए।